क्या राहुल वैद्य की फैंस की तरह बिग बॉस मेकर्स ने भी मान लिया है कि ये शो अब बिग बॉस शो नहीं बल्कि राहुल का शो हो चुका है? वेल, आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं मुर्दम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य को टारगेट किया गया, राहुल वैद्य को हैशटैग भगोड़ा के नाम से बोला गया, जिसके बाद से राहुल वैद्य की आर्मी खड़ी हो गई और सोशल मीडिया पर द आरकेवी शो के नाम से ट्रेंड करना शुरू कर दिया। राहुल वैद्य के सपोर्ट में लोग इस कदर सामने आए कि लोगों ने जो है उनको 3 मिलियन प्लस में क्रॉस करवा दिया। उनकी ट्वीट जो है वो इतने क्रॉस हो चुके थे कि वो ट्रेंड में पहले नंबर पर भी आ गए। इनफैक्ट रुबीना दिल्लाई के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अब बात यहाँ पर ये ही कि ये है कि क्या बिग बॉस मेकर्स ने भी इस बात को मान लिया है कि द आरकेवी शो है ये, ना कि बिग बॉस सीजन 14। वेल, आपको बता दूं सच्चाई तो यही लग रही है, क्योंकि वुड सेलेक्ट की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसको देखने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि लगता है मेकर्स ने भी मान लिया है कि ये है आरकेवी शो, यानी कि क्रिएटिव हेड्स को अब अपना सर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑडियंस को क्या दिखाना है और क्या नहीं है। चलिए आपको बता दूं कि आखिरकार ट्वीट में क्या लिखा है। तो ट्वीट में यहाँ पे लिखा है, रिप्लाई इन इमोजीज व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्रेंड, हैशटैग BB14 द आरकेवी शो, हैशटैग BB14 ऑन वोट, हैशटैग BB14। यानी कि कहीं ना कहीं इस हैशटैग को आगे कंटिन्यू करते हुए वुड सेलेक्ट ने भी, यानी कि बिग बॉस मेकर्स ने भी इस बात को मान लिया है कि ये शो अभी फिलहाल के लिए बन चुका है द आरकेवी शो, यानी कि राहुल वैद्य शो। सो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है कहना भाई? सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन तो उस आदमी को जाता है जिन्होंने इन्हें ट्रेंड करवाया है। सो वेल, राहुल फैंस क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अब तो वुड सेलेक्ट ने भी मान लिया है, तो अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।